रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ लाल मसूर की दाल लौकी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। लौकी मसूर की दाल की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। लाल मसूर की दाल लिया है, थोड़ा सा इसमें तुअर का दाल भी मिक्स है। 10 मिनट पहले हमने इसे भिगो के रख दिया था। अब इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे आधा गिलास के करीब, और ये घिया ऐड कर देंगे। एक घिया लिया था हमने छोटा सा, इसको हमने इस तरीके से मोटा काट लिया है। अगर ये हम बारीक काटेंगे तो दाल में गल जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सारा घिया इसमें ऐड करके इस दो सीटी ले लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सीटी आने के बाद हमने इसे ढक्कन को हटा दिया था, ये बहुत अच्छे से गल गया है। कढ़ाई गर्म कर लिया है, इसमें हमने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, और एक प्याज जो कि हमने स्लाइस करके काट लिया है, और इसको ब्राउन होने देंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हमने दो हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। हरी मिर्च आप काट के भी डाल सकते हैं। इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा साइज का टमाटर लेके हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से रखें, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले ना, और 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब। इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए 2 मिनट तक हमने मसाले को अच्छे से भुना है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे आधा गिलास के करीब, और इसे अच्छे से घुमा के ये पानी इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था दाल को। अब हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट तक ढक के इसे पका लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन मसूर की दाल लौकी बनके तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। अब इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी ऐड करने से बहुत ही अच्छा दाल का टेस्ट लगता है। और ये थोड़ा सा ब्राउन प्याज हमने निकाल लिया था इसको गार्निश के लिए। देखिए कितना बेहतरीन मसूर की दाल लौकी बनके तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।